इफ यू कैन मेक मी लाफ यू कैन विन अप टू 10,000 rupees. खुशबू नाम था उस लड़की का, ब्रेकअप करते हुए पाद मार के चली गई. मोहित गोयल बोलता है कि इनके पास बहुत सारी स्टोरीज हैं. मेरे पीटने की स्टोरीज है बहुत, मैं बहुत पीटा हूँ हरियाणा में, तो उसको सुनाऊंगा. मैं हंसेंगे. हंस जाओ यार. नहीं पक्का, हट जा यार. हंस जा भाई. 100 मिलेंगे, 50 तेरे 50 मेरे. पक्का मिलेंगे ना 50? अरे नहीं, वो तो ऐसी था गाइस. मैं इसलिए हंसा था कि मुझे पक्का. अब 60 ले लियो. Nope. नाम क्या तुम्हारा? निशु. ये ट्राई करेंगे हमें 2 मिनट में हंसाने का. तो बस ऐसी गाली गुली सब. नहीं नहीं गाली. एक्टिंग कर रहे हो तुम लोग? हाँ. ये मालिक है एंड वहाँ पे अच्छा वो नौकर है. ठीक है ठीक है. मालिक मेरे रुपए दे दो. तुमने मेरे रुपए नहीं दिए 4 दिन से. 4 दिन से मैं रोज आ रहा हूँ तुम पे है. तुम रुपए नहीं दे रहे हो रोज मेरे. भाई दे तो दिए, तो कितने दू तुझे मैं? तुमने मेरे भाई दे तो दिए. मैं रोज आ रहा हूँ, रोज नहीं दे रहे तुम. कितने दू मेरे भाई? कब दिए तुमने भाई? कल ही तो तेरे बैंक में डलवाए. तुमने बैंक देखा क्या? बैंक देखा? चार बैंक है भाई. वैसे फिर पैसे क्यों मांग रहे तू? बैंक यहीं पर है. ये तो यहाँ पे बड़ौदा बैंक है, कि SBI बैंक है, 4-5 बैंक है. फिर भाई मैंने तेरे एक अकाउंट में पैसे डलवा दिए मेरे भाई. मेरे भाई एक अकाउंट में पैसे डलवा दिए तेरे. कौन सा अकाउंट में डलवाए? SBI में डलवा दिए. नहीं डलवाए मैं, कल चेक करवा के आया हूँ. पूछ जाके कल चेक करवा के आया हूँ. नहीं डलवाए. चल मेरे साथ. चल चलो चल चलो चल 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 चल. ऐसे मालिक नौकर थोड़े कम होने चाहिए इंडिया में. नाम क्या तुम दोनों का? मेरा नाम विकास है. मोहित, तेरे बाप ने होटल खोल रखा के? क्यों, तेरे बाप ने खोला है क्या? ना तेरे बाप ने खोला हुआ. ओ ज्यादा ऐड रखे तू है. बाप पे जाएगा? हाँ बोल जाऊंगा. बोल बोल क्या कर लेगा तू? उखाड़ लूंगा तो बीच में से. क्या उखाड़ेगा तू है? क्या उखाड़ लेगा? बोल क्या उखाड़ेगा? बोल. अरे चाट कैसे दिया गाइस? यहाँ पे तो एक दूसरे को थप्पड़ मारने लग गए. क्या चल गया रहा है? एक जन मैं कैमरा भी दिखाता हूँ. बोल चाट ज्यादा अकड़ेगा मेरे से. तेरी गाली नहीं है. शी प्रपोज मी इन अ डिफरेंट वे. ही आई हैव 26 बोन्स इन माई बॉडी, बट वेन यू किस मी आई हैव 207 बोन्स. डिड यू अंडरस्टैंड? एक हंसी के 100 रुपए अप टू 10,000 rupees. इसका मतलब है अगर आप मेरे को एक बार हंसाओगे तो 100 रुपए, दो बार 200, 300, 400, 500, 600, 10,000 रुपए तक. ये एक मतलब पोएट्री टाइप कह सकते हो. पहले हाथ में लो, फिर मुंह में लो, फिर ठूक लगाओ, फिर सीधा करो, फिर सुरंग में डालो. उफ कितना मुश्किल है सुई में धागा डालना. तेरे पास नॉर्मल संता बनता है जोक नहीं है? नहीं, वो नहीं. तुम बता दो तुम हो कहाँ से? मैं हरियाणा से हूँ. और मतलब पहले वहाँ रहते थे, फिर हम डर गए. आप पिटाई हुई थी थोड़ी. आपका 10th क्लास में क्वेश्चन आता था ना वो, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. वो प्रोसेस हमारे हरियाणा में शुरू हुआ था. मैं बताता हूँ कैसे. जैसे टीचर ने बोला बच्चे को कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, हफ्ता हो गया, बच्चे निकाल नहीं पा रहे. बच्चा आया कि सर एक्स की वैल्यू 4 है मान लो. अरे ऐसे कैसे मान लो? अरे मान लो हम कह रहे ना मान लो. हरियाणा में ओनली इन हरियाणा. अरे हम कह रहे मान लो तो मान लो. तो कहता अच्छा, मैंने पूरा नंबर दे दिया मान लो. सर ऐसे करोगे? कह रहा सर आपके बच्चे कितने हैं? कह रहा 3. कह रहा 2 है मान लो. और जगह क्या होता है, क्वेश्चन के अगेंस्ट में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन के अगेंस्ट में आंसर आता है. हाँ क्वेश्चन के अगेंस्ट में डेथ थ्रेट आता है. नहीं आई सर. तो हमारे स्कूल में एक वो थी हिंदी टीचर. तो आई वो क्लास में, क्लास में बच्चे गा रहे थे सपनों की रानी. तो सोनिया नाम है उनका, सोनिया लुथरा मैम का. मैम का. तो मैम क्या कर रही? दीपक सर ये क्या बज रहा है गाना नहीं क्लास में? मेरे सपनों की रानी बज रही है. ये सैंडविच वाले बच्चे तो सर ये बहुत बदतमीज बच्चे हैं सर. ये जानते नहीं कौन हूँ मैं. ये पुराने बच्चों इसे समझाओ कौन है सोनिया. सोनिया को जानता नहीं है बेटा. तू नजरों में चढ़ रहा है मेरी. हाय बॉयज, अगले कंटेस्टेंट के लिए लोग एक प्ले कर रहे हैं. अच्छा वो पापा है और तू मम्मी हो.
अच्छा मम्मी पापा का कुछ है, मुझे नहीं पता क्या है तो ठीक है, वो वहाँ से चल के आएगा फिर। गाइस ये फुल स्क्रिप्टेड कॉमेडी है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। जाने मैंने आपने खाना क्या बनाया? मैंने हलवा बनाया। हलवा मेरे को पसंद नहीं। तो गोभी बना लूँगी ना। बना लो। बना लूँ, लो बना रही हूँ। लो जानो मन, बना लिया खाना। खा ले। चल ये गंद खाना कौन खाएगा, इसमें इतना नमक तेज कर रखा है। नमक तेज है ना, तो पड़ोसी से मांग लो ना। ये लो थप्पड़। मैं तो अपने मायके जा रही हूँ, देख। जाओ चल जाओ। अरे अच्छा अच्छा वो मायके चली गई। रुको 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 रुको, थप्पड़ क्यों मारा तूने अपनी बीवी को? इधर तू पति है? हाँ। अपनी बीवी को थप्पड़ क्यों नहीं क्यों मारा तुमने? खाने में नमक तेज कर रखा था। खाने में नमक तेज था, तुमने थप्पड़ मार दिया। हाँ। और तू मायके क्यों गई? क्यों इसने रैप्टर क्यों मारा? मेरी मम्मी ने कहा था कि इसने मेरे रैप्टर नहीं मारनिया। 3, 2, 1। अब तुम 2 मिनट तक मुझे देखते रहो, बस देखते रहो। 2 मिनट तक देखते रहना, ठीक है? 2 मिनट तक देखते रहो बस। ना ना घूर मत, बे डर लग रहा हूँ मुझे तुम्हारे से। देखते रहो बस, मेरी आंखों में आके तो मिलाओ। थोड़ा और करीब, थोड़ा और करीब, थोड़ा और करीब, थोड़ा सा, थोड़ा सा, इतना सा, हल्का सा, थोड़ा सा, बोले जा, थोड़ा सा, आ जाओ, आ जाओ, प्लीज यार बाबू यार, प्लीज प्लीज। मास्टर जी, खुशी का ठिकाना ना रहा, इसे मुहावरे का मतलब बताओ। पप्पू, खुशी घर वालों से छिपकर रोजाना अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है। एक दिन उसके पापा ने बॉलीवुड के साथ देख लिया, बॉयफ्रेंड के साथ देख लिया और खुशी को घर में घर से निकाल दिया। अब बेचारी खुशी का ठिकाना ना रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे लिए न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। थोड़े मैं जोक सुनाता हूँ। मैं जोक सुनाता हूँ, सुनो 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 सुनो। हम बुर्ज खलीफा को 50 साल के बाद क्या बोलेंगे? बुंड खलीफा। क्या बोला उसने? बुंड खलीफा।